कारगिल विजयाचं यंदाचं रौप्य महोत्सवी वर्ष आहे कारगिल युद्धाचं स्मरण म्हणून गेली अनेक वर्ष पुण्यातील सरहद फाउंडेशनच्या वतीनं जम्मू काश्मीरमध्ये मॅरेथॉनचं आयोजन करण्यात येतं यंदाची मॅरेथॉन चव्वेचाळीस किलोमीटरची असून यात देशभरातून नागरिकांनी सहभाग घेतला या कार्यक्रमाला परमवीर चक्र विजेते संजय कुमार हुतात्मा कॅप्टन विक्रम बात्रा यांचे बंधू सैन्य दलाचे अधिकारी आणि सरहद फाऊंडेशनचे संजय नहार उपस्थित होते दरम्यान ऑपरेशन विजय नेमकं कसं पार पडलं याबाबत जाणून घेतलंय सुभेदार मेजर संजय कुमार यांच्याकडून कई बार हमने देखा है कि कई लोगों ने परमवीर चक्र प्राप्त किए लेकिन दुर्भाग्य से वो वीरगति को प्राप्त हुए ये जो पूरा भारतीय सैनिकों के जो पराक्रम की गाथा है और जो ऑपरेशन विजय रहा उसके बारे में क्या कहेंगे दर्शकों से ये इतना महत्वपूर्ण क्यों था देखिए सबसे पहले तो आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है कि आज हम ट्वेंटी फाइव ईयर के उपलक्ष्य में जो सौर्य मैराथन का जो आयोजन यहाँ किया इससे यही संदेश हम देना चाहते हैं मैं इंडियन आर्मी की तरफ से देशवासियों को कि जो आज जो हमने अपने शहीद जो सैनिक हैं जो पूरे देश को सरद की देश की सरहद की रक्षा करते हुए अपना सर्वोच्च जिनको ने किया उनको हम आज भी याद कर रहे हैं और 25 साल आपने देखा होगा ये जो 25 साल है हर साल यहाँ पे मेला लगता है सर एक जो है कि लोगों को अभी भी जानकारी नहीं समझ में आती कि ये ऑपरेशन और जो कारगिल का विजय थी ये विजय क्यों महत्वपूर्ण थी कितना कठिन था ऑपरेशन तो क्योंकि आप उसमें रह चुके दो गोलियां आपने अपने सीने में खाई है तो इसके बारे में थोड़ा सा बताइए देखिए ऐसा कारगिल वॉर जब हुआ था आप सब जानते हैं कि एक तो अचानक से हमारे पे थोपी गई वॉर थी क्योंकि इस इलाके में कभी कुछ ऐसा कभी हुआ नहीं था सेवेंटी वन बार के बाद दोनों सेनाएं विंटर टाइम पे अपना अपना बेस कैंप में आती थी, लेकिन 98 में पाकिस्तान सेना ने हमारा जो एरिया था ये 120 किलोमीटर मशको से कक्सर तक का चार ये मेन सेक्टर थे इस एरिया के जिन्होंने जिसपे कैप्चर किया था तो इसमें सबसे बड़ी बात यही थी कि जो यहाँ का जो बर्फ़ पड़ने से पहले तक जो ये वाला टाइम है जो आजकल का ये तो तीन चार महीने का टाइम रहता है यही टाइम है हमारे पास जो हम इस एरिया को छुड़वा सकते हैं उसके बाद जब बर्फ पड़ से पड़ना शुरू हो जाएगी उसके बाद हम उस एरिया में जाना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा दूसरा ये था कि जितने भी पहाड़ियाँ आप ये देख रहे हैं इनमें उस टाइम पर कोई रास्ता नहीं था हमने जो जहाँ जहाँ अटैक किए जो पोस्ट कैप्चर किए थे वहाँ पर हमने ज़्यादातर देखा गया कि जो हथियार अमनेशन जो पाकिस्तान आर्मी लेके आई थी वो या तो हेली से ड्रॉप किया गया था या फिर किसी और तरीके से किया गया था लेकिन हम लोगों को फायर के बीच से ऊपर चढ़ना आर्टी शेलिंग उनका स्मॉल आर्म का फायर या जो उनका फायरिंग रहेगा आर्टलरी का तो उसके बीच से निकल के उन लाखों तक पहुंचना और उसके बाद दुश्मन के साथ लड़ाई करना और जीत हासिल करना वो काफ़ी मुश्किल वाला समय था लेकिन जो हमारा लीडरशिप है जो आप सब जानते हैं कि इंडियन आर्मी ने आज तक कोई भी लड़ाई जो है वो हारी नहीं है वो इसी बलबूते पे कि क्योंकि हमारा जो लीडरशिप है जो हमारा डिसीजन मेकिंग है कमांडर्स uh, का और जो हमारा ट्रेनिंग है उसका जो स्तर है काफ़ी ऊंचा है आज आपने प, आप परमवीर चक्र विजेता है और परमवीर चक्र यानी काफी कठिन और जो अतुलनीय और अदम्य साहस स्थल नव स्थल में जो करते हैं उसके बाद में किसी को परमवीर चक्र दिया जाता है आपने परमवीर चक्र विजेता हुए उसके बाद में आप घर पे गए होंगे लोगों से मिले होंगे तो कैसा लगता है आज भी जब आप इस परमवीर चक्र को साथ में लेकर चलते हैं क्योंकि कई लोगों को दुर्भाग्य के कारण तो मृत्यु पश्चात ही मिल पाया आपके आप भी बिल्कुल मृत्यु तक जाकर आए लेकिन आपको भगवान ने शायद वापस भेजा एक मिसाल की तौर पे नहीं देखिए ये जो अवार्ड है परमवीर चक्रा का ये हाईएस्ट गलेंट्री अवार्ड है इंडियन आर्मी का तो ये वैसे तो 99 क्या 100 परसेंट ही मरणोपरा दिया जाता है लेकिन कुछ एक हालात के बीच में ये जीवित में दिए गया है पढ़िया सैनिकां गाजले शौरिया या कारगिल युद्ध स्मारक ज्यादा सैनिकांच आठवण है त्यांनी गाजवलेल्या अतुलनीय बलिदानामुळे आज काश्मीर आणि संपूर्ण भारत देश सुरक्षित आहे आणि विशेष म्हणजे पंचवीस वर्ष उलटून गेली ऑपरेशन विजयला पण तेव्हापासून पाकिस्तानी सैन्याने कोणती हिंमत भारतीय बॉर्डर क्रॉस करण्याची केलेली नाही आहे व्हिडिओ जर्नलिस्ट राजेंदर सिंगचं सोमेश कोलगे एबीपी माझा कारगिल एबीपी माझा उघडा डोळे बघा नीट